नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना वायरस की दस्तक, आरएमएल अस्पताल में 3 संदिग्ध मरीज भर्ती। दिल्ली में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वायरस के 3 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। फिलहाल तीनों की जांच जारी है। दिल्ली के अलावा मुंबई और पुणे में भी कोरोना वायरस के 6 संदिग्धों को भर्ती किया गया है। उधर केरल में भी 5 संदिग्ध लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 400 से ज्यादा लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है। बता दें कि चीन में अब तक कोरोना वायरस से 106 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1300 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली, मुंबई, केरल में भी सभी संदिग्धों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक प्रेमी द्वारा अपनी शादीशुदा प्रेमिका को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है। बरेली में एक शादीशुदा महिला को जबरन उसके घर से ले जाने की कोशिश कर रहे उसके प्रेमी ने पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। लड़की उसके साथ जाने से मना कर रही थी, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में महिला और उसका 5 वर्षीय बेटा बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला सुभाष नगर इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। उन पर कई संगीन आरोप लगे हैं। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य फिर से विवादों में घिर रहे हैं। उनके साथ काम करने वाली एक 33 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अडल्ट वीडियोस देखने के लिए उन्हें फोर्स किया था। इसके अलावा महिला का आरोप है कि गणेश उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम से वंचित रखते थे और इनकम में से कमीशन की मांग करते थे। महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत की कॉपी में लिखा है, जब से गणेश इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, वो तभी से मुझे परेशान कर रहे हैं। जब मैंने गणेश की बात नहीं मानी तो गणेश ने अपनी सदस्यता का इस्तेमाल करते हुए मुझे एसोसिएशन से निकाल दिया। इसके अलावा गणेश ने मुझे अपना असिस्टेंट बनने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती थी।